अस्सलाम वालेकुम मेरी YouTube की प्यारी प्यारी फैमिली, कैसे हो? तो दुआ करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो आज फिर से बनना है शाम का ब्लॉग, टाइम दिखाती हूँ आपको। शाम का ब्लॉग बनना है आज फिर से, क्योंकि आज हम फिर जा रहे हैं हल्दी में। उस दिन गए थे हम, लड़की वाले गए थे लड़की के घर जामा मस्जिद हल्दी लगाने। आज जा रहे हैं, आज मतलब उन्हीं के घर में आज लड़की वाले हल्दी लगाने आ रहे हैं लड़के को। तो कितने बज रहे हैं? 8 बज गए। तो 8 बज गए हैं, जल्दी से हम होते तैयार वहाँ जाने के लिए। और मैं आपको दिखाती हूँ आज मैंने कौन सा सूट निकाला है। गाइस आज मैंने भी आज फिर से हल्दी कलर निकाला है, क्योंकि हल्दियाँ हैं तो पीला ही पीला पहनना है सूट। तो फिर हम जल्दी से होते हैं तैयार यहाँ पर। तो तैयार होते हैं फटाफट, सामान निकाल लिए। मैंने ये वाला पहनाया और मैंने कानों में दिखाती हूँ क्या पहना है। ये मैंने बनाया है खुद, मैंने एक गोल वाला बुंदे थे उसमें मैंने ये हल्दी वो पीले वाले फूल डाल दिए उसमें। तो ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। हमारी हो गई तैयार, साथ में अन्नू जा रही है और हम चल रहे हैं नीचे। जा सीधे कुंडे लगा लेना, हम जा रहे हैं। गाइज हम लोग आ गए हैं और ये देखिए इतनी सजावट हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। सामने डीजे भी लगा है, बच्चे वगैरह डांस कर रहे हैं और बहुत ही शोर शराबा हो रहा था बहुत ज्यादा। तो यहाँ पर हम ऊपर जा रहे हैं और ये देखिए हम बैठ गए हैं और यहाँ देखिए हमने अपने भी थोड़ी सी वीडियो बनाई ऐसे करके। और सब तैयार है माशाल्लाह, सबने पीले पीले कपड़े पहन रखे हैं। और ये लड़के की मम्मी और पापा है माशाल्लाह, ये देखिए दोनों ये मियाँ बीबी अपना शूट करवा रहे हैं ये। और बहुत ही सब लोग हंसी आ रही थी सब लोगों को, तो साथ में वीडियो बननी थी ना, इसलिए मैंने भी थोड़ा सा साइड से ले लिया इनका पोज। और यहाँ पर डांस शुरू हो गया, ये हैं लड़के के मामा जान और ये खूब मटक मटक के डांस कर रहे हैं। मैंने गाना नहीं लगाया क्योंकि मेरा कॉपीराइट आ जाता है इस वजह से, तो मैं थोड़ा सा पीछे से ही दिखा रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर हम बैठे हुए थे तो हमने थोड़ी सी वीडियो बना ली। यहाँ पर लड़कियाँ भी घूम घूम के वीडियो बनवा रही थी अपनी। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सब तैयारी हो रही है हल्दी लगाने की अब लड़के को। तो यहाँ मम्मी सबसे पहले हल्दी लगा रही हैं बेटे के, और सारी जो रस्में होती हैं वो सारी कर रही हैं माँ माशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए सबकी अपनी भी रस्में होती हैं, हमारी तो भी हमारी भी रस्में होती है। ये पापा है लड़के के तो ये भी हल्दी लगा रहे हैं, और हमारी भी रस्में होती हैं, सब अपनी अपनी सबकी रस्में होती हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे सब लगा रहे हैं। और इनके घर से आया भात, ये रहा भात इनका। तो यहाँ भात में एक भाई ने पैसे वगैरह दिए थे, पता नहीं क्या भात में क्या क्या दिया था, तो फिलहाल तो इतना था। ये देखिए ये बहन है, ये भाई, ये भावज। तो यहाँ पर दूसरे वाले भाई ने ये भी बहुत अच्छा दिया था, भात दिया था। और यहाँ पर लड़के के हल्दी लग गई है सबने, हम लोगों ने हल्दी लगा दी यहाँ पर। और ये देखिए यहाँ पर भी सब लगा रहे हैं, और घर भी बहुत अच्छा सजावट हो रखा है। और उसके बाद कटा केक, क्योंकि जो बड़े भाई साहब थे उनका बर्थडे था आज ही के दिन, तो एक येलो और एक कत्थे कलर का मंगवाया था केक। तो यहाँ पर ये हैं इनके भाई है ना, इनका बर्थडे था, नहीं इनकी तो हल्दी थी, और जो साइड में खड़े व्हाइट कपड़े पहने उनका बर्थडे था। तो पहले हल्दी का केक कटा और उसके बाद बर्थडे वाला केक, और सब ने बहुत सारी तालियां बजाई, विश करा, और खाने का हो गया इंतजाम। रात के बज गए थे 12, तो भूख बहुत तेज लग रही थी, तो हम लोग जल्दी से आगे खाना खाने, दस्तरखान बिछ गया। तो यहाँ पर दस्तरखान लग गया है और खाना रखा जाएगा अभी। और माशाल्लाह नहारी और रोटी थी, बिरयानी थी, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था और बहुत ही अच्छा था। फिर नीचे उतर के हम लोग, तो यहाँ बहुत डांस होने लगा, जो सामने डीजे लगा था तो यहाँ पर डीजे पर सब के सब ठुमक रहे थे, तो ठुमक तो रहे थे साहब, सब ने मुझे भी खींचा, बहुत ज़बरदस्ती भी करी मेरे साथ, मगर मैंने कहा नहीं मैं डांस नहीं करूँगी, क्योंकि बस तुम लोग करो, मैं तुम्हारा वीडियो बनाऊँगी देखूँगी। उसके बाद सब ने डांस वगैरह कर लिया, तो हम लोग जाने लगे घर। हम आ गए घर क्योंकि सन्नाटा हो रहा गली में, तुम्हारे हल्के हल्के बोल रहे हैं, कभी कोई सुन ना रहे, सुन ना ले कोई, तो चल रहा है ऊपर फटाफट। तो सब सो रहे हैं, हमारे नीचे वाले भी सो रहे हैं, चलो चलते हैं। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं खत्म है।